आज हमने ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग की तरफ से परीक्षा विभाग के संचालन को एक निवेदन दिया है। उस निवेदन में हमने ये मांग की है कि जितने भी रिजल्ट अभी लगे हैं उसमें जो बच्चे फेल हुए हैं तो उनका जीआर यूनिवर्सिटी ने ये निकाला है कि वो बच्चे जो सब्जेक्ट में फेल हुए उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर उस जीआर में उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि जो बच्चे फीस पास हुए हैं उन बच्चों को एग्ज़ाम अगली देनी आएगी या नहीं आएगी। रूलरली देखा जाए तो वो दे सकते हैं, और पर कुछ कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक जो है तो वो ये कह रहे हैं स्टूडेंट को कि ये एग्ज़ाम देने के लिए अभी यूनिवर्सिटी का सर्कुलर नहीं आया है। तो हमने उस सर्कुलर को निकालने की मांग की है और हम चाहते हैं कि 7 दिन के भीतर ये वो सर्कुलर निकाले, जो बच्चे पास हुए हैं जिनका एकेडमिक ईयर कम्प्लीट हो गया है वो एग्ज़ाम को पात्र हो। इसी चलते हम चाहते हैं कि वो बच्चे एग्ज़ाम देकर उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़े। और हमारे जिलाध्यक्ष अब्दुल रहमान आलम खान साहब ने एक बेहतरीन स्कूल के बच्चों के लिए भी एक आंदोलन पूरे मराठवाड़े में पूरे महाराष्ट्र में छेड़ा है कि जो एक्स्ट्रा फीसेज है वो स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की या फिर नीम गवर्नमेंट स्कूल की, सबकी एक्स्ट्रा फीसेज माफ़ करवाने के लिए वो चाहते हैं। पर वो तो टीचर का उसमें पैसे का पगार कैसे होना टीचर लोगों से फीस? तो सर हमने सिर्फ पूरी फीस माफ़ करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि हम जानते हैं 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि पूरी फीस माफ़ नहीं की जाएगी स्कूल की। हम सुप्रीम कोर्ट का भी आदर करते हैं, इसीलिए हमने पूरी फीस माफ़ करने के लिए जो एक्स्ट्रा फीसेज होती है हमारे अब्दुल रहमान साहब ने उसकी स्टडी की है, और जो एक्स्ट्रा फीसेज होती है तो खासदार साहब से भी इसका डिस्कशन हुआ और खासदार साहब ने भी हमें कहा कि भाई हम टीचर्स के भी खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी पेमेंट भी फीसेस पे ही चलती है। इसलिए जो एक्स्ट्रा फीसेस होती है ट्यूशन फीस के अलावा, जैसे कि प्लेग्राउंड की फीस, बसेस की फीस, ये पूरी तरह हम माफ़ करने का जो है तो हमने शिक्षण संचालक को भी निवेदन दिया था और उसको भी बेहतरीन कामयाबी मिल रही है। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पूरे औरंगाबाद के जितने भी संस्था चालक हैं उनके साथ हमारे जिलाध्यक्ष, हम हमारे शहर के फादर बॉडी के शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब बैठेंगे और उसमें एक सोल्यूशन निकाल के एक फीस स्ट्रक्चर औरंगाबाद के लिए हम तय करेंगे। आपका नाम? मैं मजहर पठान, मैं स्टूडेंट विंग का मराठवाड़ा प्रेसिडेंट हूँ।